आपको वो दिन तो याद होगा जब बॉलीवुड के सैफीना कपल ने अपने जीवन में बेबी बॉय का स्वागत किया था। उस दिन जैसे सोशल मीडिया पर इस कपल को दी जाने वाली बधाइयों की बाढ़ आ गई थी। लेकिन जब लोगों को करीना और सैफ के बेटे का नाम पता चला तो सोशल मीडिया पर बैठे लोग पागल से हो गए। सभी लोग इस कपल की आलोचना करने में लगे थे। करीना कपूर खान और सैफ अली ने अपने बेटे का नाम तैमूर अली खान रखा था। बेटे के इस नाम पर उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर तैमूर के नाम पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तैमूर नाम पर सैफ और करीना को नसीहतें दी कि इस नाम को बदल ले। वहीं कुछ लोग सैफीना कपल के पक्ष में भी थे। उस वक्त करीना और सैफ ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब फाइनली तैमूर के पापा सैफ अली खान ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। सैफ ने इस पर कहा, मुझे टर्किश रूलर तिमूर के बारे में पता है, लेकिन मेरे बेटे का नाम तैमूर है। ये एक पर्शियन नाम है जिसका मतलब होता है लोहा। मैंने करीना को कई नाम बताए थे जिनमें से उन्हें ये नाम सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये नाम मजबूत और खूबसूरत है। हम दोनों को इस नाम का साउंड भी काफी अच्छा लगा। सैफ अली खान ने आगे बात करते हुए कहा, हमारे देश में आज भी स्टार्स को लोग बहुत प्यार करते हैं और हमारा देश बहुत हद तक बैलेंस्ड है। तैमूर के नाम पर जैसी बातें हाल में हुई उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पर अपने विचार बेहतरीन तरीके से भी रखे हैं। जो लोग इस नाम के सपोर्ट में थे उनसे मुझे ये हिम्मत मिली कि मैंने ये नाम रखकर कोई गलती नहीं की। हाँ, कुछ लोगों ने इस नाम को लेकर काफी आलोचनाएं भी की, लेकिन हम सब एक लिबरल सोसाइटी में रहते हैं जो कि अभी भी काफी ओपन माइंडेड है। बता दें कि तैमूर एक इस्लामिक हमलावर था और बाबर का पूर्वज था। तैमूर ने अपने जीवन काल में 1,70,00,000 लोगों को मारा था। यही नहीं, कहा जाता है कि जब उसने दिल्ली पर हमला किया तब वहाँ के कई स्थानीय हिंदुओं का सर कलम करा दिया गया। इसके कारण तैमूर की छवि एक निर्दयी और एक खूंखार शासक की थी।